टाइम फिर से आप सभी का हमारे एमएस इंग्लिश क्लासेस में स्वागत करता हूँ। हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था, अफर्मेटिव से नेगेटिव। क्या पढ़ा था वो, अफर्मेटिव से नेगेटिव, जिसका दो पार्ट था। क्या कितने पार्ट थे, दो पार्ट, पार्ट वन पार्ट टू। कुछ रूल्स पार्ट वन में थे, कुछ रूल्स पार्ट टू में थे, जो बखूबी से आप लोगों ने देखा होगा और उसे समझा होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उस वीडियो को अच्छे से देखा होगा और समझा होगा, उसमें दिए गए होमवर्क को आप लोगों ने कंप्लीट किया भी होगा। तो आज हम कहे थे कि नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक लेके चलेंगे। आज हम कुछ नया सीखेंगे, नया मतलब बहुत ही आसान तरीकों में। मैं ऐसे लैंग्वेज में बताऊंगा आपको जो अगले टॉपिक है कि आप समझ जाओगे, बोलोगे कि हाँ मैंने पढ़ा था लेकिन ऐसे सिंपल से लैंग्वेज में नहीं पढ़ा था पहले कभी। तो उस चीज को आप लोग पूरे कम्प्लीटली रूप से देखिएगा और समझिएगा। आज जो हम नए टॉपिक्स लेकर के चलेंगे वो कौन से टॉपिक लेके चलेंगे, नरेशन। क्या टॉपिक है हमारा, नरेशन। नरेशन, नरेश को मत समझ लेना भाई, हम नरेशन की बात कर रहे हैं, नरेश को नहीं। नरेशन मतलब होता है कथन, कथन। अब क्या होता है कथन, कह रहा है कि वक्ता द्वारा कही गई बात को, यानी कहने का आशय वक्ता के शब्दों को या वक्ता के द्वारा कही गई बात को व्यक्त करने को क्या कहते हैं, नरेशन। वक्ता मतलब समझ रहे हो, नहीं समझे, रिपोर्टर हो, रिपोर्टर मतलब समझ रहे हो, जो न्यूज़पेपर छापता है। अब वो रिपोर्टर मत समझ लेना, रिपोर्टर मतलब सब्जेक्ट, कर्ता, कर्ता के द्वारा, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा कोई भी बात कही जाए उसे व्यक्त करने के लिए, जिन जिन चीजों का, यानी उसे जिस रूप में हम व्यक्त करते हैं उसे ही क्या कहते हैं, नरेशन। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि मैं कहने वाला हो गया और आप सुनने वाले हो गए, मैंने क्या कहा, भाई राम बहुत अच्छा लड़का है, तो मेरे द्वारा कौन सी बात कही गई, राम, तो मेरे द्वारा जो बात कही गई उसे ही क्या कहते हैं, नरेशन। और नरेशन ये कब कहलाएगा, जब सब्जेक्ट कर, कहने वाले को, सुनने वाले को और उसके द्वारा कही गई बात को जब सब एक साथ कोटेशन में रखते हैं, यानी कोटेशन मतलब कामा इनवर्ट, कामा के अंदर जब उसे रखते हैं तब क्या कहेंगे, उसे नरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, नरेशन कहते हैं। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, लिख लीजिए कि वक्ता के शब्दों को व्यक्त करने की कला को क्या कहते हैं, नरेशन। ना व्हेन सेज, व्हेन स्पीकर सेज समथिंग इज इट्स ओन वर्ड्स इज एज नोन अ नरेशन, यानी जब कोई भी कर्ता अपने शब्दों में कुछ कहता है तो वह क्या है, नरेशन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो आइए हम कहने का आशय वक्ता के शब्दों को व्यक्त करने की कला को क्या कहते हैं, नरेशन, यानी वक्ता के शब्दों को व्यक्त करने की कला को क्या कहते हैं, नरेशन। मैंने समझ दिया, या फिर ऐसे समझ लो जब कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहता है तो उसके द्वारा कहे गए बात को ही क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं। तो आइए हम बात करते हैं नरेशन की, डिफिनेशन आप जान लिए। अब नरेशन टू टाइप्स का होता है, कितने टाइप्स का होता है बाबू, टू टाइप्स का, कितने टाइप्स के होते हैं, टू। एक होता है डायरेक्ट, DIRECT, डायरेक्ट स्पीच, एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच। कह रहे एक तो होता है डायरेक्ट स्पीच और एक तो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच मतलब होता क्या है, आइए जानते हैं। तो देखो डायरेक्ट स्पीच मतलब होता है प्रत्यक्ष बात, क्या होती है, प्रत्यक्ष बात, और इनडायरेक्ट मतलब होता है अप्रत्यक्ष बात। कह रहे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, कह रहे हैं कि डायरेक्ट मतलब होता है प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है बहुत अप्रत्यक्ष, आप समझने की बात है। प्रत्यक्ष बात कहते किसे हैं, प्रत्यक्ष आप ऐसे अगर हिंदी में नहीं समझना तो इंग्लिश में समझो, जिसे कहते हैं ना जो उनकी बात पर डायरेक्ट डायरेक्ट कहा यार घुमावत का है, मतलब जो उनका मुंह पे बोले ना घुमावत का है, तो उसको डायरेक्ट कहते हैं। मतलब अगर हमें किसी भी बात को कहना है तो जिससे कहना है अगर वो हमारे फ्रंट पे है, अगर हम उससे डायरेक्ट कहेंगे उसके मुंह पे नहीं, मतलब उसके सामने बात करते, मुंह पे क्या बात करोगे भाई, मुंह पे लिखोगे थोड़ी ना। तो अगर हम उसके सामने सामने बात कर दें तो उसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट बात। जैसे आपको कोई किसी से कोई बात करना है, मान लो मुझे राम से बात करनी है, अब राम के सामने जाकर के हम राम से वह बात कह दें या बता दें तो वह क्या हो गया, डायरेक्ट बात। और अब इनडायरेक्ट क्या होता है, जैसे मान लो ये मैं हो गया, ठीक है, ये मान लो मनीष हो गया, ये राम हो गया, ये राहुल हो गया, ठीक है। अब मुझे राम से कोई बात कहनी है, अगर मैं राम से सीधे जाकर के डायरेक्ट बात कह दूं तो वह डायरेक्ट स्पीच हो गया, और अगर यही बात मैं राहुल से कहूं, राहुल जाके राम को बताए तो क्या हो गया, इनडायरेक्ट। आप वैसे भी गांव देहात में समझते हो कि इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। तो जब बातों को किसी को घुमा करके, यानी अपने शब्दों में या अपने सारांश में समझ करके जब कोई तीसरा व्यक्ति या दूसरा व्यक्ति आपसे कहे उसे क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच। क्या कहेंगे बाबू, इनडायरेक्ट स्पीच ना, बात समझ में आई, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखो
अब डालो आप देखो। तो हमने बात करा डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में, अब हम हेडिंग डालते हैं डायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच की क्या है डिफिनेशन के बारे में। तो हम हेडिंग डाले डायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच की डिफिनेशन क्या होती है, कह रहा है वेयर द एग्जैक्ट वर्ड्स यूज्ड बाय ए स्पीकर। कह रहा है वेयर मतलब जब, द एग्जैक्ट वर्ड्स यूज्ड बाय ए स्पीकर, यानी कह रहा है कि अपने शब्दों को जब स्पीकर के द्वारा कोई शब्द प्रयोग किया जाए, आर पुट विथिन मतलब में, पुट मतलब रखा जाए, कोटेशन मार्क्स, यानी कह रहे हैं कोटेशन मार्क्स मतलब ये बाबू ये कामा और इनवर्टेड कामा, कह रहे जब कामा और इनवर्टेड कामा में रखा जाए इट इज एज नोन डायरेक्ट स्पीच। तो क्या है डायरेक्ट स्पीच के रूप में जाना जाता है। तो कह रहे हैं डायरेक्ट स्पीच का डिफिनेशन क्या होता है, जब स्पीकर के द्वारा यानी अपने शब्दों यानी स्पीकर के द्वारा कहे गए अपने बात को एक कोटेशन मार्क में रखा जाए, यानी कोटेशन मतलब कामा इनवर्टेड कामा मार्क के अंदर रखा जाए, उसे क्या कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। तो बात समझ में आई, हाँ नोट कर लीजिए। दूसरा है आपका, दूसरा क्या है बाबू, इनडायरेक्ट स्पीच। कह रहे हैं कि दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच, हमने फर्स्ट जाना डायरेक्ट स्पीच, दूसरा आपका क्या है इनडायरेक्ट स्पीच। आइए हम दूसरे के बारे में देखते हैं। कह रहा है कि दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच। देखो अगले टॉपिक क्या है बाबू, इनडायरेक्ट स्पीच। अब हमने पढ़ा डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, अब है इनडायरेक्ट स्पीच। अब मैंने कोई सेंटेंस मान लो, कोई एग्जांपल लिख देता हूं फिर समझाता हूं। He said that he was ill. अब मैंने एग्जांपल लिख दिया, हमने डायरेक्ट स्पीच पढ़ा, अब इनडायरेक्ट है। तो कह रहा है इनडायरेक्ट सब्जेक्ट, कह रहा है इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, वेयर मतलब जब, द सब्सटेंस ऑफ ए स्पीच इज कन्वर्ट इन द रिपोर्टर्स वर्ड्स। उसे क्या करना है कन्वर्ट यानी अपने शब्दों में, कह रहे हैं व्हेन द सब्सटेंस ऑफ ए स्पीच, यानी जब कह रहे हैं शब्दों को अपने शब्दों में, यानी कह रहे हैं किसी भी शब्द को अपने लैंग्वेज में क्या किया जाए कन्वर्ट किया जाओ भी किसके बातों को, रिपोर्टर्स वर्ड, यानी कह रहे हैं जब वक्ता द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में कन्वर्ट यानी अपने रूप में बदल करके क्या है कि जब किसी से कही जाए तो वह क्या है इनडायरेक्ट रूप में होता है। कहने का अर्थ है जब भी किसी स्पीकर के बातों को अपने शब्दों में कन्वर्ट करके उसे कहा जाए, अपने शब्दों में कन्वर्ट करके किसी दूसरे व्यक्ति से बताया जाए उसे क्या कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कहने का अर्थ है रिपोर्टर की इस बात को जब अपने शब्दों में कन्वर्ट करके यानी अपने सारांश में किसी से बताया जाता है उसे क्या कहते हैं वो इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे ही सेड दैट ही वाज इल, ही सेड दैट ही वाज इल, वह कहा दैट कि ही वाज इल कि वह बीमार था, उसने कहा कि वह क्या था बाबू बीमार था। तो ऐसा लग रहा है ना कि किसी ने बात कही थी और वह उससे यह बात बता रहा है। बात आपको समझ में आई कि नहीं, समझ में आ गई। आइए आज अगला देखते हैं। अब बात आती है इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट स्पीच के दो काइंड्स होते हैं, एक होता है रिपोर्टेड, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब जिसे कहते हैं आरवी, और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच जिसे कहते हैं आरएस। दो चीज होता है, अभी हमने डायरेक्ट स्पीच पढ़ा, इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ा, दोनों के डिफिनेशन। अब आते हैं डायरेक्ट स्पीच के दो काइंड्स होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब और एक रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब कहते किसे हैं कि जिसमें हम कहने वाले यानी स्पीकर्स, स्पीकर मतलब कहने वाले, और ऑब्जेक्ट वाले को रखते हैं जिस स्थान पे उसे क्या कहते हैं बाबू रिपोर्टिंग वर्ब ना, यानी कहने वाले को, यानी कहने वाले और सुनने वाले को जिस स्थान पे रखते हैं उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो व्यक्ति या जो यानी व्यक्ति होता है रिपोर्टर, यानी कहने का आशय ये है कि सब्जेक्ट के द्वारा जो बात कही जाती है उसे हम कहाँ रखते हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। तो कहने का आशय यह है रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, तो जब वह मार्ग जिसमें कहने वाले और सुनने वाले व्यक्ति को रखा जाता है जिस भाग में उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और स्पीकर के द्वारा जो बात कही जाती है उसे जिस भाग में रखा जाता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे देखो लिखा है राम से कामा इनवर्टेड कॉमा, मान लेते हैं और लिख देते हैं राम सेड टू मी कामा इनवर्टेड कॉमा ही इज इल, यही सेंटेंस लिखा है फुल स्टॉप।
तो कह रहा है राम से टू मी कामा इनवर्टेड कॉमा में ही इज किल, यही सेंटेंस लिखा है राम से टू मी कामा इनवर्टेड कॉमा में ही इज किल। तो देखो बाबू कह रहे कहने वाला और सुनने वाला जिस भाग में रखा जाता है जिस स्थान पे रखा जाता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और स्पीकर के द्वारा जो बात कही जाती है उसे क्या कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो यार ऐसे समझो, देखो सिंपल सी बात है, जो इनवर्टेड कॉमा के अंदर रहता है जब भी कोई वर्ड इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हो तो उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और इनवर्टेड कॉमा के बाहर जो भी वर्ड होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अब देखो अब यह कहने वाला हो गया राम से, यानी राम ने कहा मी मतलब मुझसे, कहने वाले को रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है, या रिपोर्टर कहते हैं, क्या कहते हैं रिपोर्टर कहते हैं, ठीक है, और सुनने वाले को क्या कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कहते हैं, क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट कहते हैं, सुनने वाले को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट और कहने वाले रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। बचा क्या सेट टू, मेन, इसी को क्या कहते हैं बाबू रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, इसी को मेन को क्या कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो बात समझ में आई, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टेड स्पीच हो गया, यह रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट हो गया, यह रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया हो गई, और बाकी से हमें मतलब नहीं, सिर्फ हमें दो ही चीज से, एक ही चीज से मतलब होगी, किससे वर्ब से, जो हमें वर्ब चेंज में काम आएगा। तो रिपोर्टेड स्पीच में सिर्फ इतना जानो जो हेल्पिंग वर्ब होता है, बस हेल्पिंग वर्ब को पहचानो हो गया, उसी को बदलना है बाकी को नहीं। रिपोर्टिंग वर्ब में आपको इतना पता होना चाहिए कि यह रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, इसे ही रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो आज पढ़ाया गया है वो आपको समझ में आ गया कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। यह छोटी सी इंफॉर्मेशन है नरेशन के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे क्या करिएगा, देखिएगा, समझिएगा और लिखिएगा। नेक्स्ट डे हम जो इसके रूल्स है, रूल वगैरह है, अब हम उस टॉपिक पे बात करेंगे, वो भी किस दिन, नेक्स्ट डे। आज के दिन फिलहाल इतना ही, तो आप लोग क्या करिएगा वो इसे समझिएगा, और जो आपको पढ़ाया जाता है उसे पढ़ लें, रिपीट करिए, रिवाइज करिए, नहीं आता तो उसे पूछिए कि हाँ सर ये चीज नहीं आया, कैसे नहीं आया, क्या हुआ, क्यों हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ, हमेशा अच्छा समझाने की कोशिश करता हूँ, तो आप लोग भी उसे अपना बेस्ट दो, हमेशा अच्छा ही समझो, ठीक है। तो इसे आप लोग पढ़िए और वीडियो क्या करिए उसे लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए और बेल आइकन को दबाइए ताकि कोई भी वीडियो फटाक से नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को क्या करिए आप लोग ज्वाइन करिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आप लोग तो चैट किया जाए, बहुत यानी कोई भी नोटिफिकेशन हो आप लोगों को क्या है पहुंचा दिया जाए। होमवर्क आपके ग्रुप में ही डाला जाता है, ग्रुप में ताकि आप लोग होमवर्क करो और लोगों तक क्या करो, यानी होमवर्क करो और लोगों तक पहुंचाओ वीडियो की, क्या करें ये लोग जो है देखे और समझे, होमवर्क करके हमारे पर्सनल नंबर पर भी आप क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद।